जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नासा ने आखिरी वक्त में रोकी अंतरिक्ष की उड़ान। ताइवान के चारों ओर मंडरा रहा है चीन। 10 चीनी जहाज और 2 सैन्य विमान दिखे। मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नासा ने आखिरी वक्त में रोकी अंतरिक्ष की उड़ान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्टारलाइनर कैप्सूल के साथ 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने के मिशन को आखिरी वक्त में टाल दिया। दोनों यात्री अंतरिक्ष की उड़ान भरने के लिए स्टारलाइनर कैप्सूल में बैठ चुके थे। कंपनी के स्टारलाइनर कैप्सूल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। तभी उड़ान से पहले अंतिम मिनटों को नियंत्रित करने वाली कंप्यूटर प्रणाली ने 3:50 पर उल्टी गिनती खुद रोक दी। उड़ान भरने में कुछ ही समय शेष रहने के कारण समस्या को ठीक करने का समय नहीं था और अंततः प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया गया। प्रक्षेपण विफल होते ही केनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन में एटलस वी रॉकेट पर कैप्सूल में सवार अंतरिक्ष यात्रियों बुच विलमोर और सुनीता विलियम्स को बाहर निकालने के लिए तकनीशियन दौड़ पड़े। रॉकेट निर्माता यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोरी ब्रूनो ने बताया कि जब तक रॉकेट का सारा ईंधन नहीं निकाला गया, जब तक टीम समस्या को ठीक करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली तक नहीं पहुँच पाई। आई बढ़ते अगली खबर की। ताइवान के चारों ओर मंडरा रहा है चीन। 10 चीनी जहाज और 2 सैन्य विमान दिखे। ताइवानी विमानों, नौ सैनिकों, जहाजों और तटीय आधारित मिसाइल प्रणालियों के साथ PLA गतिविधि की निगरानी करके जवाब दिया। चीन सितंबर 2020 से अधिक बार ग्रे जोन रणनीति का उपयोग कर रहा है। धीरे धीरे ताइवान के आसपास के क्षेत्र में सैन्य विमानों और नौसेना के जहाजों की संख्या का विस्तार कर रहा है। ग्रेजोन रणनीति को स्थिति निरोध और आश्वासन से परे एक प्रयास या प्रयासों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बल के प्रत्यक्ष और बड़े पैमाने पर उपयोग का सहारा लिए बिना किसी के सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह ऐसे समय में हुआ है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ताइवान पर कभी शासन न करने के बावजूद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानती है और जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक इस पर कब्जा करने की धमकी दे चुकी है। इससे पहले 27 मई को चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा का कड़ा विरोध किया था। अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा के बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बीजिंग अमेरिका और ताइवान के बीच सैन्य संपर्क का कड़ा विरोध करता है। साथ ही देश द्वारा ताइवान को हथियार बंद करने के किसी भी प्रयास का भी ऐसे ही समय में हुआ है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ताइवान पर कभी शासन न करने के बावजूद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। देश को मिल सकती है पहली महिला राष्ट्रपति। मेक्सिको में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है जिसमें लोकप्रिय राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए मतदान होगा। उम्मीदवारों की बड़ी संख्या के बीच यहूदी महिला दावेदार क्लाउडिया शीनबाम विपक्ष के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जोचिटल गैलवेज जॉर्ज अल्वारेज मैनेज प्रमुख दावेदारी में है। खास बात यह है कि पहली बार किसी महिला उम्मीदवार के राष्ट्रपति बनने की प्रबल संभावना है। महिलाओं को 70 साल पहले मताधिकार मिला, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब तक नहीं हो पाई है। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।